ऐसा है कि पहले तो मैं उस चीज का जवाब देता हूँ कि आपने कहा बहुत लेट कर दी जी। मेरी फोटो आपने देखी होगी, आज से 3 महीने पहले हमने वीके सिंह जी को कहा था कि इसको सस्पेंड कर दीजिए। जो मेन समस्या है उन्होंने ये कहा था हाईवे अथॉरिटी ने, देखिए दो अलग अलग सेगमेंट है, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। केंद्र में हमारी सरकार है लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने लेवल पे काम करती है, टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी है वो, और उनकी उनका अप्रूवल जो है वो वहां से होता है। हमने वहां अप्रोच की थी, उन्होंने कहा ये हमारा काम है, हम 4 लेन रोड जो है वो कहीं पर भी अगर डिस्टर्ब होगी तो हम इसको आपसे बात करेंगे। आप देर की बात मत कीजिए, हमने बड़ी देर पहले शुरू किया था जब काम शुरू होने वाला था। दूसरा क्या है कि धन्यवाद, हमारे बीच में हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय सुजीत सिंह साथिया जी इस आज की वार्ता में है। हमारे पूर्व मंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के चंद्र भाई गंगा जी, हमारे स्पोक्स पर्सन राम शर्मा साहब, मेरे साथ बलवीर जी हमारे यहाँ पार्टी का मीडिया का काम देखते हैं। साथियों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर आज ही प्रेस वार्ता हमने बुलाई है कि जो हमारा सरोवर और लखनपुर में हमारे जो टोल प्लाजा है जहाँ पर टोल लिया जाता है लोकल लोगों से भी उठा के, जो हमारे चाहे टूरिस्ट है चाहे श्रद्धालु है हमारे जाते हैं, उन लोगों को जो हाईवे ने काम शुरू किया है रोड वाइडनिंग का, एक्सप्रेस हाईवे का, वो एक अल्टरनेटिव रोड जो नहीं मिलने के कारण बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ टैक्स दिया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज की ये वार्ता है। मैं निवेदन करूँगा हमारे वरिष्ठ नेता हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष सुजीत सिंह साथिया जी आपको एड्रेस करेंगे। आदरणीय सुजीत सिंह, तमाम साथियों का बीजेपी के ऑफिस में आकर आपका स्वागत है। मेरे साथ हमारे भाई चंद्र प्रकाश गंगा जी और हमारे भूपेंद्र बिरयाल जी और शर्मा साहब। आज का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हम ये अपील करते हैं कि जो हमारा सरोवर में टोल प्लाजा जो लगा है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लोगों को आने जाने की बहुत बड़ी मुश्किलात है। एक तो वहाँ पे इतना वक्त लगता है, जो सांबा और लखनपुर तक पहुँचने का टाइम जो था, अगर हम 1.25 घंटे में पहुँचते तो आज 4.5 से 5 घंटे का समय लग रहा है लोगों को।